मरने के बाद हम लॉबी में जाते हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन भी शायद ऐसा कुछ बोल रही होगी, हे इट्स डोसा बाय 420 हियर। और आज एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सोसाइटी को काफ़ी समय से परेशान कर रही है, बैटल रॉयल। फोकट ढोंगी बनने की कोशिश ना करूँगा, मैं काफ़ी बार पबजी खेल चुका हूँ और हर मैच के बाद यही बोलता था कि इस चूतिया गेम में बस 25 मिनट दौड़ना और 5 मिनट की शूटिंग है, चूतिया तो गेम है ये। येट उन सारे सेशंस को एंजॉय करता था मैं। मेरे को गलत मत समझना यार, मैं पबजी को घटिया तो मानता ही हूँ। मतलब सोच के देखो, 100 लोग एक आइलैंड पे लड़ रहे हैं और जो इन तक सरवाइव कर गया वो जीता। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगता होगा यार, ऐसे टाइप का कंसेप्ट फिगर आउट करने के लिए। येट इसका चूतिया होना मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आजू बाजू रोज़ चूतिया चीज़ें बनती हैं, चूतिया पिक्चरें, गाने, गेम्स, न्यूज़ एक्सेट्रा, रियलिटी शोज, जंक डेटा हैज़ ऑलवेज बीन ग्रोइंग एट एन अनफिल्टर्ड एंड अलार्मिंग रेट। ये सब बढ़ता जा रहा है एंड वी आर द वंस टू फिल्टर इट। मेरी प्रॉब्लम उन पेरेंट्स से जो अपने 10 साल के बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते बिना ये सोचे कि वो किस चीज़ में घुस सकता है, किस चीज़ में घुस रहा है, ना कोई सुपरविज़न, और सीधे उस बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया कि बेटा मैं तो काम से जा रहा हूँ, काम से जा रही हूँ, इधर जा रहे उधर जा रहे, टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, मेरा सीरियल मिस हो जाएगा, बेटा तू फ़ोन चला ले। और फिर ये भी नहीं मालूम वो बच्चा क्या क्या चलाने वाला है, मतलब बहुत ही घटिया सुपरविज़न है। तुम साला अपने बच्चे को कुत्ता समझ रहे हो कि साला वो फ़ोन चला के खुद को एंटरटेन कर लेगा, तब तक हम अपना मजे मार लें। एटलीस्ट उनको एक सही चीज़ दो जिस पे वो अच्छे से मज़े मार पाए। आई डोंट थिंक फ़ोन इज़ द राइट गैजेट फॉर देम। दूसरी तरफ ये बच्चे जिनकी क्यूरियोसिटी हमेशा एकदम पीक पे रहती है, ये बच्चे हैं, ये क्यूरियस रहेंगे, इनका नेचर है ये, और इनको नहीं मालूम क्या चीज़ सही है क्या गलत है जब तक उनको समझाया ना जाए। किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा जब आप अकेले अपने चीज़ों में बिजी हो और दूसरी तरफ आपका बच्चा फ़ोन के साथ बैठा है, क्योंकि और कोई उसके साथ शायद समय बिताने को नहीं है। आपको क्या लगता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? हु इज़ ही गोइंग टू स्पेंड दिस टाइम विथ? यू हु इज़ बिजी वॉचिंग योर टीवी सीरीज, और दैट फोन विच इज़ गिविंग हिम सम गुड टाइम विच ही थिंक ही इज़ गेटिंग, अदरवाइज वो जा तो डिप्रेशन में रहा है, क्योंकि एक सेकेंड अगर वो उससे दूर रहा तो उसका दिमाग खराब होना चालू हो जाता है। इसके रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब पहली बार ये गेम पीसी पे आया, सस्ता था और छोटा था, बग्स बहुत सारे थे, अंडबंड काम करता था, लेकिन लोगों ने कैसे भी करके उससे काम चलाया, मजे लिए और उसको हिट करा। हिट जब करा तो मैंने भी खरीदा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त खेल रहे थे उस समय, मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई किया, आई थिंक आई प्लेड इट फॉर अराउंड 20 आवर्स एंड दैट वॉज इट फॉर मी। मेरे को समझ में आ गया इस गेम में कितना कंटेंट है, कितना मुझे डिलीवर कर सकता है। अराउंड उसके 6-7 महीने बाद वो पीसी पे मरना चालू हो गया था। कुछ और महीने हो गए और वो गेम फ़ोन पे आ गया था। ब्रेंडन ग्रीन ने सोचा कि पीसी मार्केट मर रहा है, तब एक ऐसे मार्केट पे पांव रखते हैं जो भयंकर पैसा कमा के देता है गेम्स के नाम पे। आई थिंक फ़ोन गेम्स भयंकर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो या ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी मोबाइल निकाला, वो वहाँ पे हिट हुआ, और धीरे धीरे अपन ध्यान भी नहीं दे पाए और पबजी के ऐड टीवी पे आना चालू हो गए। इट बिकेम अ बिग थिंग, फोन्स बिकने लग गए पबजी के नाम पे, इतना पबजी चल रहा, एक वीडियो गेम के लिए लोग फ़ोन खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया, PS4 ले लेते चूतियाँ। एनीवेज, सो पबजी मोबाइल मार्केट में आया और हर गली का लौंडा वीडियो गेमर बन गया। ब्रो तेरे को मालूम है यही है द शिट ब्रो, पबजी बेस्ट गेम एवर। और मैंने बोला भाई तेरा ज्ञान तेरी गांड में डाल, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ये सब चूतिया पे। मैं बोलो खेल के तो देख, तो मैंने बोला ओके ब्रो थोड़ा सा खेल के देखते हैं, फिर साथ में खेलना चालू करे। और फिर हम लोग काफ़ी समय तक खेले शायद उस गेम को, और हाँ डिसेंट मज़ा आ जाता था, दिन का आया था 1 घंटा खेलते थे पबजी।
सो वो आई थिंक रिफ्रेशिंग लगता था, बस आधा घंटा खेल लिया, 1 घंटा खेल लिया, उतनी उसकी औकात रखते थे गेम की। ऐसा नहीं कि भाई यही जिंदगी है, इतना कभी उस गेम को हवा दे ही नहीं पाए, मे बी जिंदगी में किसी चीज़ को इतना हवा नहीं दे पाए। एनीवेज, अलग अलग न्यूज़ आना चालू हुई। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को चक्कू से मार देता है पबजी, क्योंकि उसे खेलने नहीं दिया। एक लड़का 16 साल का कार्डियक अरेस्ट में पहुंच जाता है पबजी में मर के ट्रॉमाटाइज होने से, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की न्यूज़ जो सब इसी से रिलेटेड थी, पबजी से आने लग गई। और सीधे लोग इस गेम को ब्लेम करना चालू कर दिए थे, डेविल्स वर्क है, इसी की वजह से ये सब हुआ है, इसी ने हमारे बच्चों को मारा, हमारी ज़िंदगी खराब करी। आई थिंक अदरवाइज। इस ज़माने में एडल्ट्स आर मोर क्यूरियस अबाउट टेक्नोलॉजी देन अस, और इसलिए मे भी वो अपने बच्चों को फोन्स पकड़ाने में इतना हिचकिचाट नहीं करते। और वो जो बच्चा जो इस फोन पे अब पबजी पे एडिक्ट हो चुका है, उसके लिए वो उसकी शायद असली जिंदगी बन चुकी है। सोच के देखो, उसके सारे दोस्त उसको पबजी पे मिलते हैं, उससे लोग बात भी पबजी पे करते हैं, शायद असली ज़िंदगी में उसको कोई रिलेवेंट भी नहीं समझता। सो द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड वर्चुअलिटी बिकम्स ब्लर्ड जब वर्चुअल दुनिया उसे कुछ ज़्यादा ही हवा देती है असली दुनिया से, एंड दिस इज़ व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू बिकम अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो अपनी असली दुनिया से निकलने की कोशिश करेगा तो शायद मर जाएगा, और जाने से पहले बस यही एक सल्यूशन देना चाहता हूँ यार, कि हर एडिक्शन का एक ही सल्यूशन है, अपनों के साथ रहना। क्योंकि एडिक्शन वही है जो आपको अपने अपनों से दूर करे। दिस इज डोसा बॉय 420 साइनिंग आउट। हैव अ गुड डे एंड पीस।